सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सागर बंसल। इस वीडियो में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस शीट आपकी 2 है, क्लास 9 के बच्चों के लिए जो साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने टर्म 1 एग्जाम्स के लिए। इसमें वही 5 चैप्टर्स आएंगे जो आपको पता है, सेल टिश्यूज इज मेट अराउंड अस प्योर मोशन एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। आई थिंक अभी तो सबको रट गया होगा कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं। और साइंस का कोड क्या होता है, साइंस का कोड 086 होता है, सभी बच्चों को पता होना चाहिए। जो भी बच्चे मुझसे पढ़ते हैं या मेरे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम से संपर्क में है, उन सबको पता होना चाहिए साइंस का कोड 086 होता है। तो देखते हैं आपसे प्रैक्टिस शीट 2 में कैसे कैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपकी स्टडी को मजबूत बनाने वाले हैं, बहुत फास्टर तरीके से करने वाले हैं वीडियो को। सो गुड लक स्टूडेंट, और एंजॉय करिए वीडियोस को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए सागर बंसल यूट्यूब और टेलीग्राम को। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। इन चारों में से सिंगल मेम्ब्रेन को कौन कवर करता है, डेट इज कॉल्ड लाइसोसोम। इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट का लाइसोसोम। सेकंड, द प्रोटीन एंड लिपिड एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर, डेट इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो प्रोटीन्स और लिपिड्स को जो एक सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं उन्हें कौन बनाता है, उन्हें आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है प्रोकैरियोट्स को, उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, न्यूक्लियोइड। ऑर्गेनली अदर देन न्यूक्लियस कंटेन डीएनए, कौन सी ऐसी ऑर्गेनली होती है जो न्यूक्लियस के अलावा डीएनए कंडक्ट करती है, कैरी करती है, उसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। फिफ्थ, किचन ऑफ द सेल इज कॉल्ड, किचन ऑफ द सेल कौन सी होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। किचन ऑफ द सेल कौन सी होती है, क्लोरोप्लास्ट। किचन ऑफ द सेल कौन सी होती है, क्लोरोप्लास्ट। नर्वस टिश्यू कहाँ पे फाउंड नहीं होता, ब्रेन में होता है, स्पाइनल कॉर्ड में होता है, नर्व्स में होता है, कहाँ नहीं होता, टेंडन्स में नहीं होता। नर्व सेल डू नॉट कंटेन, नर्व सेल के अंदर एक्सॉन भी होता है, नर्व एंडिंग भी होता है, डेंड्राइट्स भी होता है, क्या नहीं होता, टेंडन्स नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन द रिपेयर ऑफ टिश्यू, दैट इज कॉल्ड एरुलर टिश्यू। तो एरुलर टिश्यू हेल्प करता है रिपेयर में, और एडिपोज टिश्यू करता है फूड को स्टोर करने में मदद, ठीक है, फैट को, फूड के फैट को स्टोर करने में मदद करता है आपका एडिपोज टिश्यू। जो फ्लेक्सिबिलिटी है प्लांट के अंदर वो किसकी वजह से आती है, कोलन कायमा की वजह से आती है। किसकी वजह से आती है, कोलन कायमा की वजह से आती है, याद रखेंगे। आगे बढ़िए, जो कंपोनेंट्स होते हैं वाटर के, उन्हें क्या फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। किससे अलग करेंगे, केमिकल मेथड से। अगर हम ग्रेफाइट को बर्न कर दें, यानी कि कार्बन का पार्ट है, तो नो रेसिड्यू विल बी लेफ्ट, सारी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में उड़ जाएगी, ठीक है, कोई भी नहीं बचेगा पीछे, कुछ भी नहीं बचेगा। If you put camphor in an open container, its amount keep on decreasing due to the process of sublimation. Camphor होता है कपूर, कपूर को जब जलाएंगे तो सॉलिड से डायरेक्ट आपका गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। The continuous zigzag movement of the colloidal particle in a dispersion medium, जो zigzag movement होता है उसे क्या बोलते हैं, Brownian movement, या Brownian motion भी बोल सकते हो, Brownian movement भी बोल सकते हो। Which of the following non-metal is the good conductor of electricity? So graphite is the only non-metal which is the good conductor of electricity. क्वेश्चन नंबर 15, जब दो लिक्विड मिक्स नहीं होते तो उन्हें क्या बोलते हैं, इमिसिबल लिक्विड। जब दो लिक्विड मिक्स नहीं होते उन्हें क्या बोलते हैं, इमिसिबल लिक्विड्स, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, अगर आपको अमोनियम क्लोराइड को अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड से सेपरेट करना है तो आप सब्लिमेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड सबलाइम होता है। सबलाइम का मतलब क्या है, सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, याद रखिएगा। जो सोल्यूट आपका पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट मास सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है, उसे क्या बोलते हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सबको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, सबको पता है, आंसर निकाल लीजिएगा, दैट इज कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, जो मरकरी और ब्रोमीन है वो आपके क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। मरकरी आपका मेटल होता है और ब्रोमीन आपका नॉन मेटल होता है, तो दोनों के दोनों आपके लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। अगर एक कार ड्राइवर है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है ब्रेक अप्लाई करने पे, तो रिटार्डेशन कितना होगा, सब फॉर्मूला लगाएंगे किसका, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वी माइनस यू अपॉन टी। जब ब्रेक लग रहे हैं तो वी आपका 0 हो जाएगा, यू आपको 10 दे रखा है और टाइम है आपका 20, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका -10/20, यानी -10/20 का मतलब -0.5। अब माइनस का 0.5 तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, लेकिन आपसे पूछा गया है रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन निकालने के लिए रिटार्डेशन का अपने आप ही मतलब नेगेटिव होता है, तो आंसर आ जाएगा आपका पॉजिटिव, तो ऑप्शन आ जाएगा डी। अब देखिए, आपको सी भी दे रखा है, डी भी दे रखा है। अगर मुझसे एक्सेलरेशन पूछा गया होता तो माइनस के 0.5 लगाता मैं, लेकिन मुझसे रिटार्डेशन पूछा गया है तो मैं प्लस का 0.5 लगाऊंगा।
क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक गाड़ी है जो 1000 किलोग्राम की है, वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है टाइम एक्सिस के, यानी कि बॉडी आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रही है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने का मतलब उसकी अब भी वेलोसिटी कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड होगी। कितना भी डेटा दे रखा हो, अगर आंसर में अगर क्वेश्चन के बीच में कहीं पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखा है तो वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी, 10 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। अगर कोई भी स्टोन आपका फ्री फॉल हो रहा है, कोई भी स्टोन आपका फ्री फॉल हो रहा है, तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है। आपको पता है ग्रेविटी जो लगती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की लगती है, और वो आपकी सेम रहती है, वो आपकी बढ़ती नहीं है, तो बॉडी आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से नीचे आएगी। अगर एक पैसेंजर क्या करता है, चलती ट्रेन में सिक्के को उछालता है, तो सिक्का आपका किस तरफ आता है, पीछे की तरफ आता है, तो इसका मतलब क्या है, जो ट्रेन है वो एक्सीलेट कर रही है, यानी कि उसकी जो स्पीड है वो बढ़ रही है, एक्सीलेट कर रही है। जो रॉकेट है आपका वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे वर्क करता है। जो रॉकेट है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, अगर एक वाटर टैंकर है जो 2/3 यानी कि 2/3 उसे आपने भर रखा है पानी से, अगर सडनली ब्रेक अप्लाई होंगे तो पानी किस तरफ जाएगा, पानी आगे की तरफ जाएगा। ये वही वाला केस है जब एक आदमी बस की बर्थ पे खड़ा हुआ है और ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक लगा दी है, तो आदमी जो खड़ा हुआ है बस पे वो किस तरफ को जाएगा, आगे की तरफ को जाएगा। इसके बाद अगर एक आदमी बोट पे खड़ा है जो कि अभी वाटर के अंदर है, अगर वो शोर पे कूदेगा तो बोट किस तरफ जाएगी, पीछे की तरफ जाएगी। क्यों? क्योंकि आदमी आगे की तरफ जाएगा और बोट आपकी पीछे की तरफ जाएगी, अवे फ्रॉम द शोर। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, अगर एक बॉल है उसे आप वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं, ठीक है, इन अ ट्रेन, अगर एक बॉल है अगर आप उसे ऊपर फेंकते हैं ट्रेन में, लेकिन जो आपकी ट्रेन है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, देखिए वर्ड लिखा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो बॉल उसके हाथ में आएगी। कहाँ आएगी बॉल? रिटर्न बैक टू द थ्रोअर। ठीक है, अगर तेज चल रही होती तो पीछे जाती, अगर ट्रेन एक्सीलेट कर रही होती तो बॉल आपके पीछे जाती, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो बॉल उसके हाथ में आ जाएगी वापसी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, एक एथलीट जो है जो भागता हुआ है, ठीक है, आपने देखा होगा जो रनिंग होती है, रेसिंग होती है, उसमें जब एक फर्स्ट आने वाला जब जीत जाता है तो वो रुकता क्यों नहीं एकदम, वो भागता क्यों चला जाता आगे तक? ठीक है, वो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, क्योंकि उसके पैरों में अब भी मोशन रहता है। आप रोकने की कोशिश करोगे क्या कि ठीक है, जैसे ही आपको रुकना है तो आप पैरों को रोकने की कोशिश करोगे, पर पैर नहीं रुकेंगे, आपकी बॉडी चलती जाएगी। किसकी वजह से? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। किसकी वजह से? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। आप लोग याद रखेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से अच्छे मार्क्स सभी बच्चों के आने चाहिए। ठीक है, और एंजॉय कीजिए सागर बंसल सर के साथ वीडियोस, आपकी यूट्यूब पे और पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पे, इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। सो गुड लक, हैव जिज्ञासा, जिज्ञासा है तो मुमकिन है।